एक दौर था जब गोविंद सुपरस्टार हुआ करते थे और उनके लाखों फैंस उन पर जान छिड़कते थे। फिर ऐसा हुआ कि गोविंदा जैसे सुपरस्टार का फिल्मी करियर बुरी तरह बर्बाद हो गया। तो हम आपको गोविंदा की कुछ 5 गलतियां बताएंगे जिनकी वजह से गोविंदा का फिल्मी करियर बुरी तरह बर्बाद हो गया। गोविंदा की पहली गलती के बारे में बात करें तो गोविंदा की सबसे बड़ी गलती लिटिल टिफी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। खबरों के अनुसार गोविंदा की शूटिंग जब भी हुआ करती थी तो गोविंदा शूटिंग पर काफी देर से पहुंचा करते थे, जिसके कारण फिल्म के अन्य कलाकारों को इंतजार करना पड़ता था और फिर वो बहुत नाराज हो जाते थे। इससे फिल्म मेकर भी गोविंदा से नाराज रहते थे। गोविंदा को अपनी लिटिल टिफी का खामियाजा भुगतना पड़ा और उनका करियर ग्राफ गिरने लगा। गोविंदा की दूसरी बड़ी गलती डेविड धवन से झगड़ा। गोविंदा ने जब डेविड धवन से झगड़ा किया तो डेविड धवन ने गोविंदा को काम देना बंद कर दिया। एक समय ऐसा था जब गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने कई सुपर हिट फिल्में दी, लेकिन दोनों के झगड़े के बाद गोविंदा का करियर ग्राफ नीचे गिरने लगा। गोविंदा की तीसरी गलती, गोविंदा एक अच्छे अदाकार और डांसर भी है, फिर भी गोविंदा ने अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया। गोविंदा को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि फिल्म इंडस्ट्री में फिट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन गोविंदा ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण गोविंदा को काम मिलना कम होता गया और फिर उनकी जगह नए एक्टर को काम मिलता गया। गोविंदा की चौथी गलती, राजनीति में प्रवेश करना गोविंदा की चौथी बड़ी गलती है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी माना कि राजनीति उन्हें रास नहीं आई, और यही गोविंदा के साथ भी हुआ। राजनीति में अपना समय देने के कारण गोविंदा ने एक्टिंग करियर पर बुरा असर पड़ा और उनका फिल्मी करियर गिरने लगा। गोविंदा की पांचवी गलती, सलमान खान से पंगा भी गोविंदा को भारी पड़ा। सलमान खान और गोविंदा के रिश्ते पहले अच्छे थे, लेकिन फिर दोनों में दूरियां आ गई। दरअसल सलमान खान दबंग फिल्म में गोविंदा की बेटी को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी का असर गोविंदा के करियर पर पड़ा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.